हाय, हेलो। इतना डल साउंड क्यों कर रही हो? नहीं, वो बस कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ तो जरूर हुआ। इतना मतलब स्लो स्लो आवाज आ रही है आपकी, क्या हो गया बताओ? नहीं, कुछ भी नहीं। पक्का ना? तो बताओ, पता है मैंने जो है ना कल रात में बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं भयानक से सपना देखा। कौन सा? मतलब बहुत सा गंदा सपना यार, मैं नहीं बताना चाहता। पता नहीं यार, बहुत ही ज्यादा बुरा वाला सपना था। इससे रिलेटेड था? हाँ, इससे रिलेटेड था पता है मैंने क्या सपना देखा? क्या? मैंने ये सपना देखा ना कि मतलब मेरे को ना बहुत तेज बुखार हुआ पड़ा है और मैं ना घर पे सो रहा हूँ। उसके बाद सडनली क्या होता है ना कि मतलब कि दरवाजे पे जो है ना नॉक की आवाज आती है। मतलब किसी ने दरवाजा खटखटाया, बहुत टाइम से कोई मतलब दरवाजा पे नॉक किया जा रहा है, नॉक किया जा रहा है। मेरा तो मन नहीं था उठ के देखने का कि भैया आखिर है कौन। फिर बहुत टाइम से जब देखा कि दरवाजा पे कोई नॉक किया जा रहा है, किया जा रहा है, फिर मैंने बहुत ज्यादा मतलब हिम्मत करके दरवाजा खोला। तो पता है क्या देखता हूँ? क्या? देखता हूँ कि आप बाहर खड़े हो। फिर फिर क्या था यार, आपको देखकर तो मैं खुश हो गया कि वाह, ये मतलब मेरा तबीयत वगैरह पूछने के लिए आई है कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ। फिर जब आप मेरे घर पे आए ना, तो फिर मैंने आपको मतलब अपने ये जो सोफा है ना उस पर मैंने आपको बिठाया, चाय कॉफी के लिए पूछा। फिर पता आप क्या बोलते हो? क्या? आप कहते हो ना कि छोड़ो अभी चाय कॉफी का टाइम नहीं है, चलो मेरे साथ में। फिर क्या होता है ना कि मतलब मेरा तो मन नहीं होता कहीं जाने का, बट फिर भी आप जबरदस्ती मेरे को जो है ना रेडी करवा के ले जाते हो एक मॉल में, ठीक ना? और मॉल में ले जाने के बाद जो है ना आप बोलते हो कि चलो मैं आज तुम्हें एक सरप्राइज देती हूँ। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि मतलब कुछ खिलाने पिलाने के लाई होगी, कुछ भी चीज मतलब कि कुछ फास्ट फूड या कुछ समथिंग, कोई नया रेस्टोरेंट खुला होगा, मुझे ऐसा मतलब लगा था। बट पता आपने क्या किया क्या? यार, मैं नहीं बता सकता इसके आगे, मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है बताइए ना। यार। फिर आप सुन के फिर आप गुस्सा करोगे। नहीं करूंगी। फिर यार ऐसा हुआ ना कि आप जो है ना मुझे जो है एक जो है आईफोन के स्टोर में ले गए। उसके बाद जो है ना आपने मेरे को बोला कि चलो हम लोग जो है एक ट्रायल लेते हैं, मतलब एक डेमो देखते हैं इसका, आईफोन का, आईफोन 15 प्रो मैक्स का, वो जो 1 TB वाला होता है। फिर मेरा तो मन नहीं था लेने का, बट आपने बहुत ज्यादा जिद की, बहुत ज्यादा जिद की कि नहीं, फिर तुम ये फोन ले लो, तुम्हारा फोन का स्क्रीन ऑलरेडी टूट चुका है, ये फोन मैं तुम्हें गिफ्ट दिलाती हूँ, तुम ले लो। फिर पता है फिर मैंने जो है ना वो फोन मतलब कि बस मन ही मन में ऐसा बना ही रहा था कि चलो ठीक है आप इतना जिद कर रहे हो तो मैं ले लेता हूँ। फिर मैं फोन को ले लिया, ठीक है। और फिर जब पेमेंट करने की बारी आई जब आपकी, फिर आप जब आप अपने पर्स में हाथ डाल के देखते हो तो क्या होता है ऐसा कि आपने अपना जो पर्स होता है ना घर पे भूल गया होता है। उसके वजह से क्या होता है ना कि मेरा फोन जो है ना सपने का सपने में ही रह जाता है, मेरा फोन नहीं परचेज हो पाता है। तो आप ऐसा क्यों करते हो यार, जब आपको पता था कि मेरा तबीयत इतना खराब है, तो फिर मुझे क्यों उठाया, मुझे क्यों मॉल तक लेके गए, क्यों मुझे आईफोन के सपने दिखाए जब दिलाना नहीं था तो बताओ। प्रभु, बाय द वे एक बात बोलूं, बताओ ये सपना मुझे देखना चाहिए था ना। यार, सपने पे किसी का बस थोड़ी होता है ना। आप तो मतलब इतना बीमार इंसान को इतना दूर उठा के चला के लेके गए, ऊपर से आईफोन भी नहीं खरीद दिया, गंदी लड़की। पर था वो सपना था, ठीक है। हाँ तो फिर सपने में भी क्यों आई तुम बताओ, नहीं आती ना, मैं कितना अच्छा सो रहा था मैं। हाँ तो सपने, सोने के पहले आप मेरे बारे में सोचते होंगे, हाँ तो ऑब्वियसली बात है यार, गर्लफ्रेंड तो की है। इसीलिए आई सपने में। लेकिन यार सपने में आईफोन क्यों दिलाया मुझे? ये तो मुझे भी नहीं पता ना। अब मैं नहीं जानता, ठीक है। अब सपने को पूरा करो, लास्ट टाइम जो तुम पर्स घर पे छोड़ के आई थी ना, अब जाओ पर्स लेके आओ। हाँ क्या बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली बात है। अब बताओ, देखो बंदा सपने कौन से देखता है, ठीक है, वैसे ही सपने देखता है ना जो मतलब सच होने वाले होते हैं, जबकि वो तो सुबह का सपना था। हर सपने पूरे नहीं किए जा सकते, पता है ना। तो यार अच्छा, सच्ची सच्ची बात बताना, एकदम सच्ची सच्ची बात बताना, ठीक है।
आप सपने में आए थे मेरे, ओके, मेरे को नींद से ये मैं जब मैं सोया हुआ था तो मेरा दरवाजा नॉक किया, मुझे उठा के मॉल तक लेके गए, फोन पसंद करवाया। ओके, यार पर्स कैसे घर पे भूल गई तुम? मेरे को लगा आप जा रहे हो ना साथ में तो आपके पास होगा। अच्छा 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 ऐसा थोड़ी होता है यार। अच्छा वैसे आपके पास जब पर्स था नहीं तो फिर आप मेरे घर तक कैसे आए? जरूरी है पर्स लेके आना। तो मतलब कैसे आए, पैदल आए या रिंग के? नहीं ओ आप समझा, ये जो नहीं होता सांप की तरह रिंग के ना, नागिन की तरह, क्योंकि नागिन तो हो आप। अच्छा क्या बोल रहे, फिर से बोलिएगा। मैंने ये पूछा कि परसों के दिन मैंने जो आपके लिए 2 लीटर का दूध भेजा था उसको आपने पिया कि नहीं? नहीं नहीं वो मैंने आपके एक्स को पिलाया है। अरे बाबा उस दिन तो आपको दूध पीना चाहिए था ना, कि मतलब ऐसा मतलब कि लिखा हुआ होता है ना कि सांपों को दूध पिलाना चाहिए उस दिन, क्योंकि नागपंचमी थी। अरे बाबा हाँ आपके लिए मैंने भेजा था। नहीं नहीं बोलिए बोलिए, नहीं मैं ही क्यों पीऊँ, साथ में आपको पीना चाहिए ना। अरे मैं तो चाय पीता हूँ ना, दिन तो आपका भी था उस दिन। अच्छा आपको बरकत है कि मेरा दिन था। बिल्कुल कैसे, समझ के रखते हैं मेरे को, क्या बोल रहे हैं आप। जो एक बार बताओ, मेरा जो क्या बोलते हैं, मेरा जो खून पीती हो पूरे साल, ठीक है, तो मैंने सोचा चलो एक दिन तो कम से कम उसको दूध पिला दूं। वो दूध दूध पता है कहाँ गया, पड़ोसी के घर पे। कौन पड़ोसी? पता नहीं, मेरे घर तो आया नहीं। स्नेहा रानी? हाँ इतना इतना पानी। आगे आगे क्या बोलूं मैं, मेरा तो मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। साफ साफ क्यों नहीं बोलते, मेरे सामने बोलती बंद हो जाती है ना। हाँ मेरी तो बोलती आपके सामने बिल्कुल बंद हो जाती है, कारण है ना यार, क्या सोचो अब नाग नहीं नहीं हाँ, नहीं नाग नहीं 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 नागिन नागिन नागिन, माय मिस्टेक नागिन। नहीं नागिन के सामने नाग की चलती है, किसी की नहीं चलती पता है। अच्छा इसका मतलब आप मानते हो कि आप नागिन हो? नहीं आप बोल रहे हो ना तो खुद को आप पहले मान ली उसके बाद मुझे बोले, समझ में आया बात। अरे नहीं देखो मैं ऐसा बोलने वाला था ऐसा कि क्या बोलते हैं, देखो आप तो वैसे भी मतलब फीमेल हो तो नागिन हो सकती हो, नाग में कैसे बोल सकता हूँ, तो वही मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा था। जी नहीं आप अपने दिमाग में करेक्शन कीजिए, ठीक है ना। जी हाँ वैसे मैडम क्या आप बताओ ना कि कब ले मुझे आईफोन खरीदवा रहे हो? हाँ अगले जन्म में पक्का, प्रॉमिस, पिंकी वाला। यार पिंकी का फोन मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, पिंकी वाला फोन लेके मैं क्या करूँगा। मैं तो दूंगी वो पिंक कलर का। अरे डॉल वाला, अरे कितना क्यूट लगता है डॉल वाला, ठीक है। लोग क्या बोलेंगे मुझे, लोग बोलेंगे यार ये बंदा मतलब एकदम लड़के वाली हरकत है इसकी, एकदम पिंकी कलर का इसने ले रखा है, छीन छीन। अरे मतलब आपकी होने वाली आपको इतना अच्छा गिफ्ट देगी और आपको आपको इतना भी मतलब इसमें भी शर्म है दूसरों के सामने नहीं दिखाना कि वो मेरे को गिफ्ट दी है, इसका तो मतलब मैं आपको कोई गिफ्ट नहीं देने वाली। तो देना तो मेरी पसंद के कलर का दो ना, और इसी जन्म में दो ना, फिर अगले जन्म का क्यों इतना लंबा इंतजार। क्या पता आप अगले जन्म में किसी और के हो गए तो। यार अगले जन्म में किसी और का हो जाऊंगा तो वैसे भी तो फोन मिलेगा ही नहीं, तो इसी जन्म में दे दो, क्या बोलती हो? What you mean? सच में किसी और के होने वाले हैं? अब मुझे कैसे पता भाई कि नेक्स्ट जन्म में मैं कौन सा जानवर बनूंगा, घोड़ा बनूंगा, गधा बनूंगा, सुअर बनूंगा, मुझे क्या पता। प्लीज आपकी करवा चौथ का भी व्रत नहीं रखूंगी। सच्ची? हाँ ऐसे बोल रहे जैसे इस जन्म में मेरे लिए कभी रखा कोई व्रत। नहीं रखूंगी, क्यों रखो, जो अगले जन्म में मेरे मेरे साथ रहने को चाहता ही नहीं है तो। देखो व्रत रखने की बात कौन कर रहा है, जो मुझे मतलब सही से जीने नहीं देता, जिसने मेरा जीना हराम कर रखा है, वही मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखने की बात कर रहा है। कैसे कैसे लोग है भगवान, बहुत अच्छे लोग है, क्यूट, इनोसेंट, स्वीट, बहुत प्यारी। ये तीनों है कौन? मैं, स्नेहा। मतलब आप क्यूट भी हो, इनोसेंट भी हो और प्यारी भी हो। बहुत। हेलो गाइस, आई होप कि आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हाँ
इस वीडियो का आगे का जो पार्ट है वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि नेक्स्ट पार्ट का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट के साथ।